अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ गोश्त का भुना, जो रेस्टोरेंट में भी मिलता है इस तरह हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो से ज़्यादा ही मेरा गोश्त है, ये होएगा 600 ग्राम गोश्त ली मैंने। इसको अच्छे से वाश करके रखी हूँ, साफ़ करके। और यहाँ मैंने कुछ मसाले ली हूँ, यहाँ मैंने एक चम्मच मिर्ची पाउडर ली, वो आपके हिसाब से लेना आप। और यहाँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, धनिया पाउडर भुना में बहुत अच्छा लगता है। और 1 चम्मच जीरा पाउडर लेंगे, ये ज़रूर लेना जीरा पाउडर, इससे आपकी खुशबू खाने में अच्छी आएगी। गरम मसाला नहीं डालना, यही डालना। और यहाँ मैंने वो ली हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची, और यहाँ मैं नमक ली, यहाँ मैंने 1.5 खांदा यानी उसका मैंने पेस्ट बना के रखी। और यहाँ पर मैंने कांदे को फ्राई करके रखी हूँ, जो हम उसको पीस के पेस्ट बनाने टाइम मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कांदा बुन के रखी वो लूँगी, और यहाँ पे मैं थोड़ा दही डालूँगी, इसको भी साथ में पीस लेंगे। तो ये मैं कस्टर्ड जो लाई थी वो भी इसके अंदर डालूँगी, और इसको अपन पीसेंगे, ये सबको साथ में पीस के पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने ली हूँ 3 लौंग और 3 हरी इलायची, और ली हूँ थोड़ा सा और जावित्री, अपन डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। और इसको थोड़ा पुष्ट होने देंगे, ये 1 बड़ा चम्मच जैसा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही ये जो कांदे का पेस्ट बनाए थे ये भी इसी के अंदर डालेंगे, और इसको भी थोड़ा भुनेंगे। तो ये देखो मैंने ये कच्चे बात निकल गए वो कांदे के और अदरक लहसुन के, तो मैं इसके अंदर डालूँगी गोश्त, जो अच्छे से वाश करके रखे। और ये ईद के गोश्त है कुर्बानी के, तो अब मैं इसको भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। मैंने आपको मसाला जो बताई थी वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। हाँ, तो मैंने ना थोड़ा सा बेसन को भी रोस्ट करके रखी हूँ, वो भी हमको इसके अंदर डालना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। थोड़ा हल्का हल्का रोस्ट करना है। देखो मैं इसमें कोई पानी नहीं डाली हूँ, देखो गोश्त का ही पानी छूटा हो, उसे में मैं उसकी को भून दूँगी। तो ये मुझे भून के 7-8 मिनट हो गए, मैं इसके अंदर ये पानी डाल के कुकर को चढ़ाऊँ। तो देखो मैंने 1/2 गिलास की पानी डाली हूँ, तो देखो माशाल्लाह से इतना अच्छा भुने गया है। तो मैं इसको अब कुकर में 4-5 सीटी ही लगाती हूँ। तो देखो मेरा सालन माशाल्लाह हो गया, ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी दही और कांदा और खसखस का, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल के अब इसको भी अच्छी से भूनूंगी। देखो तो ये भुना मेरा हो गया है, ये मैंने ये जो चने का आटा है उसको मैंने रोस्ट करके रखी थी, थोड़ा ही लेना आप लोग भी। तो ये देखो अब इसको भी थोड़ा भूनती हूँ। तो ये मिर्ची है जैसे केले वाली, ये तेज़ नहीं रहती, तो इसको भी हम डाल के इसी के साथ पकाएंगे। तो देखो ये मेरा भुना हो चुका है, और ये जो मैंने अक्की धनिया को थोड़ा सा भून के उसको कूट के ली हूँ, तो आप लोग भी इस तरह डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू, तो थोड़ा ही डालिएगा। तो इसको भी मैं इस तरह डाल के मिलाती हूँ। तो देखो ये मेरा भुना हो चुका है, मैं बुझा रही हूँ अभी गैस को। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर आप